बेटा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीमा तथा जुए में अंतर। देखो बेटा, लगभग लोग क्या है बीमा और जुए को एक समान मानते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है अनिश्चित घटना के घटित होने पर क्या है पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या है अंतर होता है। कुछ लोग इसको एक समान मानते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या बहुत सा अंतर होता है। देखो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और लाभ के लिए करता है, ठीक है। तो बीमा क्या है, हम आगे हमें कोई घटना दिखाई देती है, अनिश्चित घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जुए के अंदर क्या है, लोग घटना होती ही होती है, जिसके अंदर क्या है एक पक्षकार को हानि और एक पक्षकार को क्या है लाभ होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो हम इन दोनों में क्या है कुछ अंतर, कुछ पॉइंट्स को लेके अंतर हम देखेंगे। ऐसी घटना है जिसके अंदर क्या है एक व्यक्ति को लाभ और एक व्यक्ति को हानि होती है, ठीक है। उसके अंदर है जोखिम की विद्यमानता, ठीक है। देखो, बीमा के अंदर क्या है, जोखिम की विद्यमानता नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके अंदर क्या है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जुए के अंदर क्या है जोखिम की विद्यमानता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है जोखिम होनी ही होनी है। इसके अंदर एक पक्षकार को लाभ और एक पक्षकार को हानि होनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जोखिम से सुरक्षा। बीमा क्या है, जोखिम से सुरक्षा का उपाय है। और जुए के अंदर क्या होता है, हम अब हमारे हाथ में है, हम अपनी जोखिम को क्या है कितना भी बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। आगे है जोखिम का मापन। देखो, बीमे में क्या है, जो रिस्क होती है हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीमा और जुए में अंतर। देखो बेटा, वैसे लगभग लोग क्या है बीमे और जुए को एक समान मानते हैं, लेकिन बीमे और जुए में अंतर होता है। बीमे और जुए दोनों में क्या है अनिश्चित घटना के घटित होने पर क्या है हमें जो है रिफंड मिलता है, लेकिन इन दोनों में क्या है अंतर होता है, ठीक है। अंतर कैसे होता है, जो जुआ है वो क्या है अपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन और लाभ की दृष्टि से किया जाता है, और जो बीमा है वो क्या है एक जोखिम से बचने के लिए किया जाता है, जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना जाता है, ठीक है। तो बीमे और जुए में क्या है पॉइंट्स को लेके हम अंतर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग, ठीक है। अर्थ, अर्थ देखिए, बीमा का अर्थ क्या है, बीमा क्या है इसके अंदर कुछ व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं कुछ व्यक्ति की हानियों को अपने कंधे पर उठाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या है अपने कुछ व्यक्तियों की हानियों को अपने कंधों पर उठाते हैं। इसके अंदर एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है, ठीक है, वो बीमा। और जुआ क्या है, जुआ जो है वो क्या है उसके अंदर क्या है कि किसी आगे भावी घटना के लिए क्या करते हैं चेक लगाते हैं, ठीक है, शर्त लगाते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति को हानि और एक व्यक्ति को लाभ होता है, ठीक है। ये नहीं पता होता कि किसको लाभ होना और किसको हानि होना, ये होता है जुआ। आगे जोखिम की विद्यमान, देखो बीमा के अंदर क्या है, हानि पहले से विद्यमान होती है तभी उसका बीमा करवाते हैं, और जो जुआ है के अंदर क्या है जुआ जो है वो जोखिम उत्पन्न करने के लिए क्या है किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जैक लगाई होती है, जोखिम उत्पन्न होने पर ही क्या होगा एक व्यक्ति को लाभ और एक व्यक्ति को हानि होगी। नेक्स्ट है जोखिम से सुरक्षा। बीमा से क्या है, बीमा क्या है
कि मैं खुद के हाथ में होती है उसको कितना बड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य, बीमा का उद्देश्य क्या है? बीमा का उद्देश्य होता है जोखिम से बचना और फ्यूचर जोखिम से सुरक्षा का उपाय। बीमा हम किस लिए कराते हैं? अपने फ्यूचर को, आगे फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हानि होती है, कोई घटना होती है तो उसकी भरपाई हो सके, और फ्यूचर हमारी हमें हमारी फैमिली को कोई लॉस ना हो, हम इसलिए क्या करते हैं? बीमा करवाते हैं अपने आगे को फ्यूचर सेफ्टी के लिए, ठीक है। और बीमा सॉरी जुए का क्या उद्देश्य होता है? जुए का उद्देश्य तो क्या है, लाभ हानि का ही उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे है बीमा योग्य हित। देखो बीमा के अंदर तो क्या है, बीमा योग्य हित होता है, इस वस्तु के अंदर हमारा बीमा योग्य हित होता है, हम उसी वस्तु का बीमा करवाते हैं। लेकिन जुए के अंदर क्या है, इस वस्तु में हमारा बीमा योग्य हित कब होता है? जब वो व्यक्ति जीतता है जिसकी वस्तु होती है उसी के अंदर उसका बीमा योग्य हित होता है, अदरवाइज नहीं होता, हारने वाले का नहीं। नेक्स्ट सिद्धांत, बीमा क्या है? बीमा जो है बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे बीमा योग्य हित का सिद्धांत, परम विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। लेकिन जो जुआ होता है वो सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता, ठीक है, इसके सिद्धांत नहीं होते, ये प्रॉपर अपने क्या है चेक पे चलते हैं, जुए के अंदर क्या है वो सिद्धांत नहीं होते। नेक्स्ट वैधता, देखो बीमा के अंदर तो क्या है, एक वैध अनुबंध के क्या है सभी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन जुए के अंदर क्या है वैध अनुबंध के लक्षण नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ अनुबंध होता है, क्योंकि जो भी चोरी डकैती जुए की होती है उनको व्यर्थ घोषित किया जाता है, इसके अंदर वैध अनुबंध के लक्षण नहीं पाए जाते, जो अपने पहले भी पढ़ा हुआ है वैध अनुबंध के लक्षण के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है भुगतान, देखो बीमा के अंदर क्या है, घटना घटित होगी तो भुगतान मिलेगा, अदरवाइज भुगतान हमें नहीं मिलता। आपको पहले ही बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है, हमें भुगतान मिलता है मिलता है, लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा के अंदर क्या है, हमें घटना घटित होगी तो मिलेगा, अदरवाइज हमें जो भुगतान है वो नहीं मिलता। लेकिन जुए के अंदर क्या है, भुगतान जीत जो व्यक्ति जीतता है तो भुगतान मिलता है, जो हारता है उसको भुगतान नहीं मिलता। इसके अंदर क्या है, लेना देना पड़ता है, हारने वाले को देना पड़ता है और जीतने वाले को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमियम का भुगतान, देखो बीमा के अंदर तो क्या है, हमें जो अपने प्रीमियम जमा करवाते हैं हमें क्षतिपूर्ति का पैसा मिलता है, प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन प्रीमियम वापस नहीं मिलती, ठीक है। और जुए के अंदर क्या होता है, जुए के अंदर क्या है, जो जीता जीतने वाले का तो पैसा मिलता ही मिलता है, दावे की राशि जो लगाई होती है वो भी पैसा इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट है दूरदर्शिता, जो बीमा है वो क्या है, दूरदर्शिता के सिद्धांत को इंगित करता है, और जो जुआ है वो अदूरदर्शिता के सिद्धांत को इंगित करता है। क्यों? क्योंकि बीमा क्या है, हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि जुए के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसको अदूरदर्शिता कहा है। आगे सामाजिक सम्मान, देखो बीमा के अंदर क्या है, बीमा अगर हमने करवा दिया तो हम क्या है आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है समाज के अंदर हमारी अच्छी अहमियत, हमें सामाजिक सम्मान मिलता है। लेकिन जुआ क्या है, जुआ तो चोरी डकैती, जुआ चोरी ये चीज़ें क्या है, ये क्या है व्यर्थ घोषित है, ये इलीगल कार्य है, इसलिए क्या है हमारे समाज के अंदर किसी को सम्मान नहीं दिया गया। आगे है बीमा जो है वो क्या है, जनहित में किया जाता है, ठीक है, बीमा क्या है जनहित में किया जाता है, चोरी डकैती का बीमा नहीं किया जाता। लेकिन जो जुआ है वो क्या है, जनहित के अंदर जो किया जाता है तो वो इलीगल कार्य माना जाता है, इसलिए वो क्या है जनहित के लिए लाभकारी नहीं होगा। नेक्स्ट शेयर, देखो जो बीमा है